अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जी आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग के साथ आई हूं, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अरे यहाँ जी मैं हो गई हूं बिल्कुल रेडी और अब हम घर से निकलने लगे हैं, तो चलिए। यहाँ देखिए जी, कराची का मौसम आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है माशाल्लाह। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में मुझे लगता है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से अब तो कराची में जो ये सूरत हाल है यार, कि हर बंदा परेशान हो गया है, क्योंकि बारिशों की वजह से ना नुकसान तबाही आना शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल जी, आज मौसम ये देखें, आज बहुत अरसे के बाद जी ये एयरपोर्ट का एरिया है ये, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये इस्लामाबाद का एरिया हो, क्योंकि बारिशों की वजह से इतनी ग्रीनरी अच्छी हो गई और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो गई। आज सूरज निकला हुआ भी कितना ठंडा ठंडा फीलिंग दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है। तो मुझे आज पहली बार यहाँ से गुजरते हुए ऐसा फील हुआ जैसे मैं इस्लामाबाद के किसी एरिया में हूँ, वरना कराची में इतनी ग्रीनरी नहीं होती है। तो यहाँ पहुँच गए सिस्टर के घर। यहाँ जामिया फाइव बहुत ज़्यादा आपस में बाय बाय। अब ये बाहर जा रहे हैं जी। बाय 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 कर दो। बाय बाय। माशाल्लाह जामिया बाय करते हुए, क्योंकि बाहर जा रहे थे ये लोग। आते साथ बड़ा भाई छोटी बहन को बाहर घुमाने लेकर गया। यहाँ जी हम लोग चाय पीने लगे थे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिस्टर ने जी चाट बनाई थी, चना चाट है, जिसकी रेसिपी आपको उन्हीं के चैनल पर मिलेगी। उनके चैनल का नाम है जी इजी लाइव विद अस, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने चाट बनाई है, और साथ ही बाहर से समोसे वगैरह मंगवा लिए हैं, और केक स्पंज केक वगैरह मंगवाया था। हालांकि मैंने उन्हें मना किया था, क्योंकि जामिया ने बहुत तंग करती हुई, तो मैंने मना किया था कि आप लोग कुछ ना कीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये बनाई थी, और लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी। अल्लाह उनके रिज़क में बरकत दे और उनको ढेरों खुशियाँ दे, इंशाल्लाह आमीन। आप लोग भी ज़रूर आमीन किया कीजिए और दुआ में याद रखा कीजिए। और इसके साथ ये हमारी स्पेशल गेस्ट है जी। यहाँ जी बहुत ही मज़ेदार किस्म की चाट भी बनी, मैं साथ साथ चाट भी इंजॉय कर रही हूँ। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझसे अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं कि जामिया कौन है, जामिया किसकी बेटी है, तो क्या मामला है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप मेरे साथ इसी तरह कनेक्ट रहेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ इसकी डिटेल्स के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आपको छोटे से क्लिप में नहीं बता सकती। यहाँ जी फिर हम लोग उनके घर से बाहर निकल आए थे, उनका रोड का एरिया है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये एरिया बना हुआ था, इसको मेरे ख्याल से कैंट का एरिया भी बोलते हैं, और फोर्सेस की एरिया है ये, फोर्सेस वगैरह की यहाँ पे रहती हैं। तो लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है यार, देख के दिल खुश हो जाता है कसम से। लगता ही नहीं इसके अंदर जाओ तो ऐसे लगता है जैसे हम कराची से कहीं और ही शहर में आ गए। इतनी सफाई, इतना नीट, इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। तो हम वॉक करने इसलिए चले गए थे, चलो थोड़ी सी हवा खा कर आ जाएंगे साथ, फिर अभी बच्चों के साथ मैं घर में बैठ के सारे बैठे हुए थे, चलो हमने कहा थोड़ा राउंड लगा कर आते, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी इनके घर रहने। तो फिर हम लोग बाहर गए थे, यहाँ जामिया बहुत ज़्यादा खुश थी अपने भाई के साथ, बहुत हैप्पी थी, यहाँ बहुत इंजॉय कर रही थी। इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ भी कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द मिल जाए कीजिए करें। और प्लीज़ मुझे ऐसे यार सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और यहाँ जी हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए थे, तो हम सब ने आइसक्रीम लिए, फिर हमने आइसक्रीम खाई बड़ी मज़े से। फर्स्ट टाइम बच्चों की तरह हमने बैठ के यहाँ पर फुटपाथ पर बैठ कर हमने आइसक्रीम खाई, तो यह काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अरसे के बाद थोड़ी सी आउटिंग हुई। यहाँ पर ये देखें एरोप्लेन जा रहे थे, इतने करीब से एरोप्लेन्स को मैंने बहुत अरसे के बाद देखा, क्योंकि हमारे घर के से जब ऊपर से गुजरते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, तो यहाँ से काफ़ी नज़दीक से वो देखने को मिला, क्योंकि इनके घर के बिल्कुल साथ ही एयरपोर्ट है। तो ये है जी जामिया आइसक्रीम इंजॉय कर रही हैं, पहले टेस्ट करती हैं, चेक करती हैं, फिर खाती हैं। वनीला है, वही लग रही।
यहाँ जी हम वापस आ गए थे घर पे और फिर हम लोग खाना खाने लगे थे। यहाँ जाम में लेटी हुई थी और साथ ही कार्टून्स देख रही थी। आपको पता है बच्चों को कितना कार्टूनों का क्रेज़ होता है, बच्चों को कोको मेलन वाले। और साथ ही यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे तो खाना मेरी सिस्टर ने मेरा फेवरेट बनाया हुआ था, कीमा करेले। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाई हुई थी, बहुत मज़ेदार बने हुए थे। तो वो हम खाना खा रहे थे तो और साथ ही बच्चे शरारतें कर रहे थे। यहाँ देखे जामे को मैंने थोड़ी सी खीर दी, चखाई तो खीर जामे ने सारी मुँह पे लगा दी। देखो कितने प्यारे लगते हैं ना बच्चे इस तरह से मुँह पे लगे हुए, आइसक्रीम लगी हुई हो, खीर लगी हुई, बड़ा मज़ा, मुझे बड़े अच्छी से फीलिंग आती है बच्चों के, बड़े क्यूट लगते हैं बच्चों। तो आज मैं कीमा करेले अपने इंजॉय कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने हैं। तो ये आप इनके, आपको इसकी रेसिपी इनके चैनल पर ही मिलेगी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसके साथ ही जी मैं खाना इंजॉय कर लूँ, खाना खा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको कैसे। यहाँ जी हम लोग हो गए थे जामिया, यहाँ पे शरारतें कर रही थी, अब्दुल्ला उसके साथ खेल रहा था। जामिया खाना खाने के बाद काफ़ी बहुत शरारतें करती है माशाल्लाह। तो इसका सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड करूँगी, तो आप लोग इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इस टाइम हम लोग सब सोने लगे थे। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दुआओं में याद रखिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया कीजिए। यहाँ 5 गेम खेल रहे थे और मुझे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, दुआ में ज़रूर याद रखेगा।